हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनिष्का'स किचन। तो चलिए आज बनाते हैं आलू का पराठा, और इसमें जो आलू की फिलिंग है वो इतनी टेस्टी होगी, इतनी टेस्टी होगी कि आप इसको दोबारा ज़रूर बना के खाओगे। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी। तो पहले इसकी फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ 7-8 बॉइल्ड पोटैटोज ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, और अब हम इनको मैश कर लेंगे अच्छे से। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे तो मेरे को कोई मैशर की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने हाथ से इसको जल्दी जल्दी कर दिया। और इसके बाद हम इसमें जो ऐड करने वाले हैं स्पाइसेस, तो पहले मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल लीजिए, रेड चिली पाउडर। इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर, और इसमें थोड़ा सा खट्टा टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ अमचूर। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे कुछ सूखे मसालों को बिल्कुल पीस के हमने बनाया हुआ है, ये मैंने लिया है। और इसके बाद हम लेंगे चाट मसाला, और अब हमें लेनी है ये मेथी। इसको थोड़ा सा हाथों से ऐसे रब करके डालिए, इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और इसमें खुशबू भी आएगी। इस तरह से मेथी को डालेंगे, कसूरी मेथी है ये, और बस इन सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और आप इसमें अमचूर और कसूरी मेथी तो ज़रूर डालिएगा। और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो इस फिलिंग के टेस्ट को इतना ज़्यादा एनहेंस करेगी वो ये है कि आप पहले ऑयल लीजिए, थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून आप ऑयल लीजिए, उसको गर्म करिए। उसके बाद इसमें मैं ये एक अनियन डाल रही हूँ सिर्फ, ये मैंने बड़ी एक ही अनियन ली है। और इसमें थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, गैस ऑफ कर देंगे। और इसमें अनियन डालने से पहले आप इसमें राई डालिए, राई का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। वो इस बार मैंने नहीं डाली, मैं हमेशा डालती हूँ। और इसमें अब आपको ये अनियन डालनी है, पर ये ऑयल सारा मत डालिएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मैंने ऑयल को थोड़ा साइड करके ये सारी मैंने अनियन डाली है। और इससे पहले मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर भी ऐड करी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये अनियन डाल दिया और ऑयल थोड़ा हटा ही दिया है, जितना बस अनियन में लगा हुआ था उतना बहुत है हमारे लिए। अब बस इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अभी हमने ले लिया है आटा, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, बस अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल के इसका एक डो बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो बनाएंगे। और क्योंकि ये फिलिंग में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल गया है अनियन के साथ, तो इसको इस हिसाब से हमें डो बनाना है कि वो फिलिंग बाहर ना निकले। और डो रेडी होने के बाद इसमें हल्का सा हम लोग ऑयल या घी लगा लेंगे। अब बनाते हैं आलू का पराठा। तो इसके लिए यहाँ पे ये मेरे से नहीं बनता, ये मम्मी बनाती है हमेशा, पराठा मेरे से कभी नहीं बनता, तो अब ये मम्मी के हाथ में आ गया है। और अब इस तरह से देखिए बिल्कुल मोमोज वाली शेप दे दी है। इसमें फिलिंग को फिल करके और इसको अच्छे से बेल लेंगे सारी साइड से। और मेरे को वैसा पराठा पसंद है जो जिसमें फिलिंग थोड़ी बाहर निकली होती है, उसका कुछ अलग ही टेस्ट आता है। तो अब ये जा चुका है पराठा तवे पे, और जब ये हल्का हल्का सा ब्राउन होने लग जाए उस टाइम पे हम इसको टर्न करेंगे। और इसमें मैं लगाऊंगी थोड़ा सा घी, घी से इसका टेस्ट यार बहुत अच्छा आता है। अब ऑयल की जगह घी यूज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और अब ये देखिए पीछे से भी ये हो चुका है, तो इस साइड भी हम लोग घी लगा लेंगे। और इस टाइम पे आपको लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है। ये देखिए इसका कलर देखिए इतना बढ़िया यार, मतलब बनाते बनाते ही मुंह में पानी आने लग जाता है। एक तो ये फिलिंग ऐसी, और आप इसको ट्राई ज़रूर करना, ये फिलिंग जैसे मैंने बताई है ना बिल्कुल इसी तरह से बनाना, और तब देखना आपका पराठा कितना बढ़िया बनेगा। बस इसी तरह से एक और पराठा बना लेते हैं। तो ये इस तरह से मम्मी ने इसको थोड़ा रोल कर करके इसको पतला कर लिया है, और इसके अंदर भरेंगे फिलिंग। और इसको देखते देखते अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए ना, और सब्सक्राइब में तो 1 सेकेंड लगेगा, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब करिए। और जिन लोगों को ढाबे पे खाना खाना पसंद है ना, वो इस पराठे को ज़रूर ट्राई करना, मतलब बिल्कुल ढाबे जैसा ही शायद से टेस्ट आने वाला है इसका, और रेस्टोरेंट तो बिल्कुल फेल ही है। सही बता रही हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और अब इसको भी बेल लेते हैं। और ना आप क्या करना, पराठे की जो साइड्स हैं उनको ज़्यादा मोटा मत रखना,
और जो इस टाइम पे आपको जो गैस रखनी है वो लो टू मीडियम रखनी है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और थोड़ा सा ब्राउन होते ही हम इसको टर्न कर देंगे। और आप ऐसा पराठा बनाना कि आटा कम होना चाहिए और जो ये फिलिंग है ना वो ज़्यादा भरी हो उसके अंदर, तब खा के देखना इसको। ये देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है। और इसमें घी अप्लाई कर दो, और ऑयल से वो टेस्ट नहीं आता, घी लगाना, बहुत बढ़िया लगने वाला है ये। और गरम गरम पराठा, मज़ा ही आ जाएगा खा के। ये देख रहे हो जो साइड से निकली हुई है ना हल्की हल्की सी फिलिंग, इसका तो कुछ अलग ही टेस्ट होता है। तो जिन लोगों को मेरी तरह जो फटी हुई कचौड़ियाँ होती हैं, मतलब जिसमें से आलू बाहर निकल रहे होते हैं, और जैसे ये पराठा जिसमें से आलू बाहर निकल रहे हैं, वो जिनको पसंद है ना उनको तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। और ऊपर रख दीजिए मक्खन, उसके बाद इसको सर्व करिए। और ये पराठा इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है कि मेरा हाथ जल रहा है, मेरे से टूट नहीं रहा। और जब आप इसको ट्राई करोगे और जैसा आपका पराठा बनेगा तो मेरे को भी कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी है फिलिंग और इस फिलिंग से बना हुआ ये पराठा। ये देखिए अंदर फिलिंग बिल्कुल भर भर के डाली हुई है। और इसके बाद इसको थोड़ा सा बटर में लगा के और खाइए। तो करिए जल्दी से ट्राई। थैंक यू।